आ जाओ निंगटी, मेरे आए थे अब शाम को, क्या खबर लाए हो? अरे पकड़ लिया बदमाश को, मुझसे बचकर कहाँ जाएगा? किसको पकड़ लिया? रामू दूध वाले को। है? बिल्कुल रंगे हाथ, यहाँ भी तो वही दूध देता है। हाँ, सवेरे की चाय भी कुछ फीकी फीकी लग रही थी। हाँ? फीकी फीकी तो लगेगी ही, सब लोग दूध में पानी मिलाकर बेचते हैं, ये साला पानी में दूध मिलाकर बेचता है। हमारे घर के पास एक ऊंचा पेड़ है, मैं वहाँ चढ़ गया और आपके ही दूरबीन से उसके घर को ताकता रहा। उसने एक घड़ा पानी भरा और फिर अपने झोपड़ी के बाहर उसमें दो लोटा दूध डाला। बस मैं फौरन पेड़ से उतरा और भागा उसके घर की तरफ। वो घड़ा वही रखवाया और दूसरा दूध लेकर निकलने को कहा। शाबाश बेटी, तुमने तो बोमकेश को भी पछाड़ दिया। अरे नहीं नहीं, मैं तो इनका शागिर्द हूँ। सब कुछ इन्हीं से तो सीखा है। लाइए एक सिगरेट दीजिए। है निकटी, तुम्हारे घर में काफी दिनों से मैं एक खूबसूरत लड़की देख रहा हूँ। कई बार मैंने उसे घर से बाहर निकलते देखा। है ना, हमारे मौसा जी के दोस्त की लड़की है। ढाका के दंगे में उसके माता पिता गुजर गए, लड़की किसी तरह भागकर कलकत्ता आ गई। मौसा ने उसे अपने घर पर रख लिया। चल भाग ऐसे। अरे एक मिनट, सिगरेट तो पी लूं, अगर मौसी ने कहीं देख लिया ना तो मार मार कर चमड़ी उखेड़ देंगी। क्यों सुबह का अखबार शाम को क्यों पढ़ रहे हो? सुबह पढ़ नहीं पाया था। वैसे भी आजकल अखबार पढ़ने में कुछ मजा नहीं आता। क्यों, क्या हुआ? सिर्फ मौत की खबरें हैं। ये देखो, चिटगांव से एक हवाई जहाज कलकत्ता पहुंचने से पहले ही समुद्र में जलमग्न हो गया, कोई भी यात्री नहीं बचा। पाकिस्तान एयरलाइंस का जहाज था। अब देखो यहां कितनी बड़ी सूची दी है यात्रियों की और कर्मचारियों की, जो बेचारे हैं नहीं इस दुनिया में। हेलो अजीत बाबू, आप फौरन बोमकेश बाबू को लेकर हमारे यहाँ आ जाइए। क्यों, क्या हुआ? हेना मल्लिक मर गई। है? वही हेना मल्लिक जिसकी तुम आज दिन में बातें कर रहे थे? हाँ हाँ वही। कैसे मर गई? छत से गिर गई। और मौसा जी भी आज घर पर नहीं है, आज शनिवार है ना, शनिवार और इतवार को मौसा जी घर पर नहीं रहते हैं। और पुलिस भी आई है। अरे तुम यहाँ? लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस अभी अभी आए, निंगटी ने बुलाया था। अच्छा, परिवार के लोगों को जानते हो? जी नहीं। अच्छा, मैं परिचय करा देता हूँ। आप है रवि वर्मा, संतोष समद्दार के सेक्रेटरी, यहीं पे रहते हैं। आप है चमेली दीदी, संतोष समद्दार की पत्नी। फिर है संतोष समद्दार के जुड़वा लड़के उदय और जुगल, और ये है नेंगटी और चिंगड़ी, यहीं पे काम करते हैं। आपको क्या लगता है, मौत महज दुर्घटना है या और कुछ? अब तक जो प्रमाण मिले उससे तो दुर्घटना ही लगती है। डॉक्टर का कहना है कि ऊपर से गिरने की वजह से गर्दन की हड्डी टूट गई, मृत्यु उसी कारण हुई है। इन सब के बयान ले लिए? हाँ, सिवाय घर के मालिक संतोष समद्दार के। सुना है कि सप्ताह के अंतिम दिन मतलब शनिवार और रविवार वो यहाँ नहीं रहते, और आज तो शनिवार है। अच्छा, इनके जो बयान है उनकी कॉपी मुझे मिलेगी? हाँ हाँ, पर कल शाम को। ठीक है। ए झगड़ा बंद करो, अभी आपने किस बिना पर जुगल पर आरोप लगाया? माँ बाप बेटी सबकी अपघाती मृत्यु, विधि का विधान भी अजीब है।
जी, बिन बुलाए मेहमान हैं हम। मेरा नाम ब्योमकेश बख्शी है, ये मेरे साथी अजीत। आप हमें नहीं पहचानते, नेंगटी ने हमें यहाँ बुलाया है। ना पहचानने पर भी आपका नाम मैंने सुना है। अच्छा किया जो ब्योमकेश बाबू को बुला लिया, मुसीबत में दोस्त ही काम आते हैं। नेंगटी आपका दोस्त है शायद? हा? जी दोस्त ही कह सकते हैं। अच्छा आपका काम खत्म हो गया इंस्पेक्टर साहब? हाँ, मतलब अब वो लास्ट को पोस्टमार्टम के लिए भेज देंगे, फिर जाएंगे। ठीक है, जो भी आपकी ड्यूटी है वो कीजिए, मुझे तो इसमें कुछ कहना नहीं है। अच्छा, आपको अगर इतराज ना हो तो एक दो सवाल आपसे पूछने हैं। हाँ हाँ, इसमें इतराज कैसा है, आइए उधर बैठते हैं। हाँ आइए। सरफराज लाश के पास ही रहना। तशरीफ रखिए। आप लोग शायद हीना के बारे में पूछताछ करने आए हैं। अफसोस है मैं इस बारे में ज्यादा कुछ जानता नहीं। मैंने उसे आश्रय जरूर दिया था, लेकिन उससे ज्यादा जानने का अवसर नहीं मिला मुझे। एक तो मैं वैसे भी घर पे कम रहता हूं, और फिर ये लड़की हीना, ये भी कुछ ज्यादा मिलनसार नहीं थी। अच्छा, हीना के पिता का नाम क्या है? कमल बाबू। क्या वो आपके दोस्त थे? हाँ, मैं करीब 15 साल से उन्हें जानता था। अपने धंधे के सिलसिले में मुझे अक्सर पूरे देश का दौरा करना पड़ता था, आज भी करना पड़ता है। उसी सिलसिले में एक बार उनसे ढाका में मुलाकात हो गई थी, और धीरे धीरे रिश्ता बढ़ गई। इसका मतलब है आपने हिना मलिक को कलकत्ता आने से पहले भी देखा था? जी हाँ, कई बार, जब वो 3-4 साल की थी तभी से देख रहा हूँ। अच्छा, हिना को यहाँ आश्रय देने के बाद घर में अशांति हुई थी? जी हाँ, मेरी पत्नी को ये बात ज्यादा पसंद नहीं थी। वो छुआछूत वाली औरत है, परदेश से आई लड़की से परहेज करती थी। हिना रोज शाम को छत पर अकेली घुमा करती थी, क्या आपको ये मालूम है? ये बात मुझे आज ही पता चली। किससे पता चला? जिसने मुझे फोन पर खबर दी उसने। किसने खबर दी? अरे इस बात पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं जहां था वहां का पता भी किसी को मालूम नहीं था। जिसने टेलीफोन किया उसकी आवाज तो आप पहचानते होंगे। इस दुर्घटना को सुनने के बाद और किसी तरफ ध्यान ही नहीं गया। तो जब टेलीफोन आया तो आप कहां थे? इस बात को जानना क्या बहुत जरूरी है? माफ कीजिए संतोष बाबू, लेकिन हेना की मृत्यु किस वजह से हुई है यह अभी हम निश्चित रूप से जान नहीं गए हैं। हो सकता है कि हेना अचानक छत से नीचे गिर गई हो, और यह भी हो सकता है कि उसको किसी ने छत से नीचे धकेल दिया हो। दोनों बातों की संभावना है, इसलिए हमें हर बात की जानकारी चाहिए। हीना के छत से धकेल दिए जाने की संभावना भी है? जी। कौन धकेल सकता है? ये तो तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। मैं कहां था? अगर ये जानना बहुत ही जरूरी है तो मैं आपको बताता हूं, लेकिन ये मामला मेरे जीवन का बहुत ही गुप्त और निजी मामला है। बात इधर उधर ना फैले तो अच्छा है। आप निश्चिंत रहिए, ये बात हम तक ही सीमित रहेगी। धन्यवाद ब्योमकेश बाबू, अच्छा हुआ कि आप भी यहीं पर हैं। मैं इस मामले में आपको अपने परिवार के हितों की रक्षा हेतु नियुक्त करना चाहूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं भी कोई दूध का धूला नहीं हूं, मुझ में भी कुछ खामियां हैं, और उनमें से एक बुराई यह है कि मुझे कीर्तन और गाने सुनने का बेहद शौक है। आपने कीर्तन गायिका सुकुमारी का नाम सुना होगा, वो अक्सर महफिलों और सभाओं में कीर्तन गाती है। करीब 10 साल पहले मुझे एक महफिल में उसका गाना सुनने का मौका मिला और मैं मुग्ध हो गया। मेरी घरेलू जिंदगी बहुत सुखमय नहीं थी, इसलिए शायद मैं उसकी ओर आकर्षित भी हो गया। काफी दिन तक यूं छुप कर आना जाना रहा, लेकिन मुझे उसके साथ एकांत नहीं मिला। उसके घर में अक्सर भीड़भाड़ लगी रहती थी, इसीलिए एक दिन नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है संतोष बाबू, आज घर जाने का इरादा नहीं है? सोच रहा हूं लोगों की नजरें बचाकर कब तक तुमसे यूं ही छुप छुप के मिलता रहूंगा। तुम जानती हो मैं राजनीति में उलझा हुआ हूं,
क्रांतिकारियों को पैसा भी दिया है, आजादी की लड़ाई में जेल भी गया हूं, पुलिस की लाठियां भी खाई हैं। इन्हीं सब कारणों से जितने मेरे मित्र हैं उतने ही शत्रु भी हैं। अगर किसी को जरा भी भनक पड़ गई कि मैं तुम्हारे यहां इतना अक्सर आता जाता हूं तो बदनाम करने में जरा भी कसर नहीं उठा रखेंगे। अरे आप ये क्या कह रहे हैं संतोष बाबू, क्या मैं आपके पद सम्मान और इज्जत इन सब के बीच में आती हूँ? ये बात नहीं है, मैंने एक कमरा किराए पर लिया है किसी और के नाम से। तुम अगर वहीं आके रहने लगो तो मैं निश्चिंत होकर तुम्हारे साथ एकांत में रह सकता हूँ। ये संभव नहीं है, गाना मेरा पेशा है, मैं अपने चाहने वालों को धोखा नहीं दे सकती। इतनी कठोर मत बनो सुकुमारी, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। फिर एक काम करते हैं, मैं यहीं रहूंगी, यहीं से अपना काम करूंगी। सप्ताह में 2 दिन, शनिवार और रविवार, मैं आपके उस मकान में चली जाऊंगी। चलो ठीक है, यही सही। पिछले 10 साल से यही सिलसिला चला आ रहा है। मैं हर शनिवार को ऑफिस का काम खत्म करके सीधा उसी मकान पर पहुंच जाता हूं और फिर सोमवार को सीधा वहीं से ऑफिस चला आता हूं। आज भी दोपहर बाद 3:30 बजे मैं वहां पहुंचा था और रात 8 बजे हिना की मौत की खबर सुनकर सीधा यहां चला आया। अच्छा, एक दो सवाल और फिर हम यहां से चले जाएंगे। जी हाँ, पूछिए। उस किराए के मकान में कोई नौकर वगैरह हैं? जी नहीं, हमने जानबूझ कर नहीं रखा। फिर वहां फोन क्यों रखा? मुझे जरूरत नहीं थी लेकिन सुकुमारी को थी, डायरेक्टरी में भी उसका जिक्र नहीं है। अपने सेक्रेटरी रवि वर्मा को भी ये नंबर नहीं दिया था? जी नहीं। इस फोन के बारे में और किसको पता है? किसी को नहीं पता। और कुछ? अच्छा संतोष बाबू, आज के लिए इतना काफी है। जरा हेमा का कमरा एक बार देखिए। जब आप यहाँ आए तो क्या दरवाजा खुला हुआ था? नहीं नहीं, दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और लाश के हाथ में एक हैंडबैग मिला और एक चाबियों का रिंग मिला। ये है। इसका मतलब है वो कमरे में ताला लगाकर ऊपर छत पर गई थी। हिना हमेशा अपने कमरे का ताला लगाकर ही बाहर जाती थी। क्या ये शुरू से ऐसा करती थी या किसी घटना के बाद? जी नहीं, शुरू से ही। इसमें तो 5 चाबियां हैं, तो बाकी 4? उन 4 में से 2 तो सूटकेस की है और बाकी 2 का पता नहीं। एक पर नंबर 7 लिखा हुआ है, कुछ जानते हैं? ये चाबी उन्हीं में से है जिनका ताला नहीं मिल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ताला तो गुम हो जाता है लेकिन चाबी लगी रहती है। आप कुछ जानते हैं इसके बारे में? जी नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं इस कमरे में पहली बार आया हूँ। गुलाब तो ताजा है यहाँ, क्या बाहर बगीचे में गुलाब भी है? जी हाँ। जरूर किसी ने बाहर से फेंका लगता है, कौन हो सकता है? जी मुझे नहीं मालूम। ये देखो तो, किसकी तस्वीर है? हिना की तस्वीर? हिना की नहीं है, ये तस्वीर काफी पुरानी है, देखो रंग पीला पड़ गया है। इसमें जो औरत है वो करीब 24-25 साल, हाँ 24-25 साल की लगती है, दिखाओ जरा। मुझे तो लगता है हिना की माँ की है। पता लगता है हिना ने अपनी सुंदरता कहाँ से पाई। इंस्पेक्टर। हाँ जी। इस तस्वीर को अपने पास ही रखिएगा। जी। इंस्पेक्टर, ये जो 2 संदूक यहाँ पर पड़े हुए हैं, इनको आपने अच्छी तरह देखा है? हाँ देख ले, इसमें सिर्फ महिलाओं के कपड़े हैं बस। चलिए छत पर चलते हैं। हाँ आइए। आपको आने की जरूरत नहीं, हम खुद ही जाकर देख लेंगे रवि जी।
लेकिन ब्योमकेश जी अभी रात को कुछ नजर नहीं आएगा, कल सुबह सुबह देख लेते हैं। आइए। ये दरवाजा तो दोनों तरफ से बंद किया जा सकता है, कुंडिया दोनों तरफ है। जब आप ऊपर आए तो क्या ये दरवाजा बंद था या खुला? नहीं, खुला था। हिना कहां से गिरी? उधर से, क्योंकि वही एक हिस्सा है जहां पर बांस का घेरा बंधा हुआ नहीं है। इसका मतलब है कि हिना यहां से छत पर आती है, चप्पल उतारती है, चटाई पर बैठती है, फिर करीब 10-15 फुट तक वहां तक जाती है और नीचे झांकती है। ये जो इस तरफ की ये जो सारी मुंडेर है ना, इसकी ऊंचाई लगभग 4 फीट तो होगी, है ना? की ऊंचाई क्या थी? करीब करीब 5 फुट 3 इंच। फिर भी गिरना असंभव नहीं है। कोई तगड़ा इंसान भी इस बांस के जरिए ऊपर चढ़ सकता है। हाँ निंगटी, आओ। बोकिश बाबू। अरे तू कहाँ से सुबह सुबह आ गया? सब ठीक है? बिल्कुल नहीं, कल रात हमारे घर में एक और घटना हुई। अच्छा, क्या हुआ? सिगरेट। सिगरेट तेरे, ये ले, अपीना मत। हाँ बोल। कल रात किसी ने हिना के कमरे को आग लगाकर जला दिया। है क्या, पूरा घर जल गया? नहीं, सिर्फ हिना का कमरा, पलंग, बिस्तर, किताबें, टेबल कुर्सियां, सब जलकर राख हो गई। तुम ये बताओ कि जब हिना छत से गिरी तब तुम कहाँ थे? जब मैं घर से निकला तब हिना अपने कमरे में बैठी स्वेटर बुन रही थी। एक घंटे बाद जब लौटा तो घर में कोहरा मचा हुआ था। हिना छत से गिरकर मर गई। लाश को सबसे पहले किसने देखा? रवि बाबू ने। तुम जब बाहर गए घर से तो हॉल में कौन था? उदय बाबू थे। और जब तुम वापस आए तो सभी घर में थे? सभी घर में थे, सिर्फ मौसा जी नहीं थे। अच्छा, हिना की कोई चिट्ठी वगैरह आती थी घर में? डाकिया से चिट्ठियां तो मैं ही लेता हूँ, मगर आज तक हिना की कोई चिट्ठी नहीं आई। बाहर उसके साथ किसी के संबंध थे जानते हो? हाँ, हिना के आने के 10-12 दिन बाद ही की बात है। एक दिन मैंने सोचा यूं ही कोई आ जा रहा है, लेकिन 10-15 दिन बाद वही माउथ ऑर्गन की आवाज फिर से सुनाई दी। मैं सतर्क हो गया और दौड़ कर नीचे जाकर देखा कि बात क्या है। मैंने देखा कि कोई आदमी है जो माउथ ऑर्गन से हिना को इशारा करता है और हिना उसे मिलने चली जाती है। कब लौटती है? करीबन 1 घंटे बाद। अच्छा, तो कहाँ जाती थी सुबह मालूम है? क्या मालूम, मैंने कभी दूसरी टैक्सी लेकर उनका पीछा नहीं किया। इतने पैसे कहाँ है मेरे पास। अच्छा, आखिरी बार कब गई थी? करीब 10-12 दिन पहले। अच्छा, चलो अब तुम जाओ, घर जाओ, चलो। एक और मिलेगी। अरे भाग अब, चल। ये माउथ ऑर्गन का मामला केस को और ही उलझा रहा है, लेकिन एक बात साफ है कि हिना इस शहर में अकेली नहीं थी, और दूसरी बात, उसकी मौत महज दुर्घटना नहीं है बल्कि उसकी हत्या हुई है। अब सवाल ये उठता है,
कि ये जलमग्न मैनाक कौन है। वही जिसने हेना के कमरे में आग लगाई है। हो सकता है और नहीं भी। उसकी हत्या हुई है उसकी वजह हम नहीं जानते, लेकिन जिसने भी उसके कमरे में आग लगाई है उसका उद्देश्य मैं समझ गया हूं। जरूर उस कमरे में कोई ऐसी चीज थी जिसे वो बर्बाद करना चाहता था। तुम्हें भी तो उसके कमरे में एक गुलाबी रंग का कागज का टुकड़ा मिला था, उस पे क्या लिखा था? देखो ये कविता सही है कि नहीं। तीर की तरह चुभ गई है मन में तुम्हारी मद भरी हंसी की एक छलक, बिन कारण दे सकती है सजा तुम्हारे रसीले होंठों की ललक। कैसी है? ठीक ही है, पुराने किस्म की कविता लगती है। लेखक कौन है? अरे उस घर में एक ही तो कवि है, जुगल। आइए इंस्पेक्टर। हेलो अजीत। ओ अच्छा हुआ तुम घर पर ही हो, ये सबों के बयानातों की कॉपी है पर तुम्हारे किसी काम की नहीं है। आपको आकी खबर मिली? हाँ, लेकिन वो भी एक दुर्घटना है, किसी ने जानबूझकर आग लगाई हो इसका कोई प्रमाण नहीं। इसका मतलब संतोष बाबू ने जो मुझे काम सौंपा है उसकी तो छुट्टी है, उनके परिवार के हितों की रक्षा की जरूरत ही नहीं। हाँ उनसे कह देना कि पुलिस को उनके परिवार पर कोई शक नहीं। वैसे आग लगने की खबर मिलने पर मैं संतोष समझदार के घर गया था, मैंने उन्हें वो तस्वीर भी दिखाई, उन्होंने कहा कि ये तस्वीर हेना की माँ की ही है। अच्छा, पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है? रीढ़ की हड्डी टूटकर भीतर धस गई थी और अचानक मौत की यही वजह थी। मौत 5:30 से 6 बजे के बीच हुई है। अच्छा मैं चलता हूँ, ये रिपोर्ट देने ही आया था। अच्छा आइए। क्यों है कुछ? अजीत हा? एक काम करो, इसे तुम ही पढ़ो, देखो कोई खास बात है नहीं। मैं जरा होकर आता हूं। आइए आइए, क्या खबर है? बस आज आपके साथ ही नहीं आए? नहीं, उसे आपके यहां भेजा है किसी काम से। अच्छा अच्छा, आपने शायद सुना होगा कि पुलिस को तो पूरा यकीन है कि हेना की मौत सिर्फ एक दुर्घटना ही थी। चलो अच्छा हुआ, इस बात से मन बहुत परेशान था। आइए। लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन नहीं है। यानी कि आपको शक है कि किसी ने हेना का खून किया है? अच्छा अच्छा, कोई सबूत मिला क्या? अभी नहीं। पहली बात तो यह है कि हेना के कमरे में आग लगना स्वाभाविक नहीं है। उसके कमरे में आग लगना स्वाभाविक नहीं है, यह सही है। और दूसरी बात यह है कि इस शहर में हेना किसी से परिचित थी जिससे वो अक्सर मिलने जाया करती थी। जहां तक मुझे मालूम है इस शहर में उसका कोई परिचित नहीं था। इस शहर में ना सही, लेकिन दूसरे शहर का कोई हो सकता है जो कि शायद 10 या 15 दिन हर 10 या 15 दिन यहाँ पे शहर में आता होगा और हेना उसे मिलती होगी। ये हो सकता है। तो अब आप क्या करना चाहते हैं? अगर आपकी इजाजत हो तो आपके परिवार से बातचीत करना चाहता हूँ। देखिए ब्योमकेश बाबू, आपको हमने अपने परिवार के हितों की रक्षा के लिए नियुक्त किया था। मैं समझता हूँ कि जब पुलिस ने इसे दुर्घटना मान लिया है तो आपकी जिम्मेदारी वैसे ही खत्म हो जाती है। अलबत्ता आपकी फीस आपको जरूर मिलेगी। क्या सोच रहे हो ब्योमकेश बाबू? सोच नहीं रहा, देख रहा हूं। क्या? ये देख रहा हूं कि ये मजदूर कितनी आसानी से मचान के सहारे ऊपर छत तक पहुंच जाते हैं, और वो देखो यहां से अंदर आने और जाने का रास्ता। मतलब ये कि कोई भी आदमी इस रास्ते से आकर
इस मचान के सहारे छत के ऊपर जा सकता है और फिर आराम से वहीं से उतरकर यहाँ से बाहर जा सकता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। शाबाश, बड़े समझदार हो गए हो। चलो अंदर चलो। क्या है ये? कुछ नहीं है ना, पढ़ने देना। आइए। तुम क्या कविता भी लिखते हो? कभी कभी यूं ही लिख लिया करता हूँ। अच्छा, ये तुमने लिखी थी? जी। इसका मतलब है कि तुम हैना से प्यार करती थी? प्यार? क्या पता, पर जब तक हैना जिंदा थी एक अजीब सा नशा चढ़ा रहता था, पर अब अब वो नशा धीरे धीरे उतर गया। अच्छा, हैना के कमरे में तुमने एक गुलाब फेंका था? जी हाँ। उस समय क्या हैना उस कमरे में थी? नहीं। अच्छा, उस रात को उदय ने तुम पे एक आरोप लगाया था कि तुमने हैना को मार डाला। उसने ये आरोप किस आधार पे लगाया था? जलन, ईर्ष्या। इसका मतलब है कि उदय भी हैना से प्यार करता था? जी हाँ। और आप दोनों में से वो किसे ज्यादा चाहती थी? लगता है किसी को भी नहीं। उदय, अब और क्या जानना बाकी रह गया? तुमने हैना को उनका गोला दिया था स्वेटर बुनने के लिए? हाँ दिया था। इससे क्या प्रमाण करना चाहते हैं? यही कि तुम्हारी उसके साथ अच्छी जान पहचान थी। उस दिन जब हैना छत पर गई, तुम भी उसके पीछे पीछे गए। नहीं। और वहां तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ तो फिर तुमने उसको छत से नीचे धकेल दिया। नहीं, ये झूठ है। तो फिर सच क्या है? मैं हैना के पीछे पीछे गया जरूर था, पर मेरे वहां पहुंचने से पहले ही हैना ने छत का दरवाजा बंद कर दिया था। मैं हैना से प्यार करता था, हैना भी मुझसे प्यार करती थी। हैना किसी से प्यार करती थी या नहीं, तुमसे नहीं करती थी। हैना तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचा रही थी। नमस्कार। नमस्कार। संतोष बाबू ने हमें खबर दी थी आप आने वाले हैं। घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं। आइए। चलो। आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, बस दो चार सवाल करने हैं। आप हिना को तो जानती थी ना? जी हाँ, संतोष बाबू ने एक अनाथ लड़की को आश्रय दिया था। देखिए, संतोष बाबू के साथ आपके पुराने संबंध हैं, ये बात हम जानते हैं, इसलिए आप बिना संकोच के हमसे बात कर सकती हैं। उस शनिवार वाली घटना के बारे में जरा हमें विस्तार से बताएंगी? मुझे कोई संकोच नहीं, मुझे ठीक से याद है। मैं शनिवार दोपहर को मकान पहुंच गई थी। संतोष बाबू करीब 3:30 बजे वहां पहुंचे। नहा धोकर 6 बजे उन्होंने नाश्ता किया, फिर गाना सुनने बैठ गए। गाना चल ही रहा था कि 8 बजे फोन बज उठा। फोन संतोष बाबू नहीं उठाया। फोन रखकर कहने लगे कि मुझे तुरंत घर जाना होगा, हैना छत से गिरकर मर गई है, और फौरन चले गए। किसने टेलीफोन किया था? ये मुझे नहीं मालूम। हाँ नेंटी, क्या हमेशा फोन के पास बैठा रहता है? अच्छा एक बात बता, वो माउथ ऑर्गन बजाने वाला वापस टैक्सी में फिर आया कि नहीं? अच्छा हाँ, बस ठीक है। कह रहा है कि हिना की मौत के बाद वो वापस आया ही नहीं। क्या वजह हो सकती है भाई? कई वजह हो सकती है। या तो उसे हिना की मौत की खबर मिल गई होगी, या तो बीमार पड़ गया होगा। अजीत, जिस दिन हिना की मौत हुई वो दिन तुम्हें याद है? अरे याद क्यों नहीं होगा, परसों की तो बात है। तुम याद है उस दिन तुम अखबार पढ़ रहे थे शाम को, उसमें लिखा था कि वो जो विमान है कलकत्ते की उड़ान पर था, और कलकत्ता पहुंचने से पहले ही वो समुद्र में गिर गया था। वो पेपर कहाँ है? यही कहीं होगा। हाँ देखो देखो, पेपर लाओ। हाँ, ये है, दिखाओ। अब पहला कदम ये है
के इन चारों पर कौन, संतोष समादार, रवि वर्मा, जुगल और उदय, इन चारों पर निगरानी रखनी है। जिम्मेदारी तुम्हारी है। रोज शाम के 5 बजे रवि वर्मा दफ्तर से निकलकर सीधा घर चला जाता था, लेकिन आज वो 4 बजे ही निकला और सीधा बहु बाजार गया। मैं उसके पीछे पीछे हो लिया। बहु बाजार में एक छोटा सा होटल है, शहनाज होटल। नीचे रेस्टोरेंट है और ऊपर रहने की जगह। वहां पर ईस्ट बंगाल और पाकिस्तान से लोग आते जाते रहते हैं। रवि वर्मा सीधा ऊपर चला गया और मैं चुपके से उसके पीछे हो लिया। उसने एक कमरे का ताला खोलने के लिए चाबियों का गुच्छा निकाला और ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई चाबी लगी नहीं। झुंझला कर वहां से निकल गया। उसके बाद मैं उस कमरे तक गया, देखा ताला लगा हुआ था और उस कमरे का नंबर था 7। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर है। हाँ ब्योमकेश बोल रहा हूँ। अच्छा वो हेना के कमरे की चाबियों का गुच्छा है ना आपके पास, है ना? हाँ बस उस गुच्छे में एक चाबी होगी जिस पर नंबर 7 लिखा होगा। उस चाबी की जरूरत है मुझे। आप ऐसा कीजिए, मुझे शनाज होटल पर, हाँ हाँ 7 बजे मिलिए। मैं वहीं पर, हाँ वहीं पर सब बताऊंगा। हाँ अच्छा। क्या हाल है कमरे नंबर 7 का? हाल तो ठीक है, और कोई नहीं है? यहीं पर है ना? हाँ वो रहा। रिहा पे काम कीजिए, उस मैनेजर को बातों में हो जाइए। हम दोनों तब तक अपना काम करते रहते हैं, ठीक है? मैनेजर इस तरफ है। साथ इसे लगा कर देंगे। दूसरी चाबी मुझे लगता है अलमारी की होगी। हाँ हाँ देखो। एक किताब है, ये देखो। तो ये तमाम मीना माताहरी के लिए रखो इसे। ये देखो, क्या कर रहे? मैनेजर साहब आपसे कुछ पूछना है। हाँ हाँ पूछिए। ये कमरे नंबर 7 में कौन रहता है? कमरा नंबर 7 ढाका से एक आदमी आता है, हर महीने कमरे का किराया दे जाता है, पर रहता है 3-4 दिन। उसके साथ और भी कोई आता था? आता था नहीं, आती थी। अच्छा। परी, एक खूबसूरत परी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस आदमी का नाम क्या है? एक मिनट, जरा मैं रजिस्टर देख के बताता हूँ। उमर शिराजी, ढाका पाकिस्तान। ये उमर खयाम तो समझ में आया, लेकिन ये उमर शिराजी कौन है? सब समझ में आ जाएगा। उस दिन वाला अखबार का है। कहाँ है? वहाँ है ना, दो। वो जो पाकिस्तान एयरलाइंस का विमान है ना, जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, उसमें मृतकों की सूची में तुम्हें वो नाम मिलेगा। कहाँ है देखो? ये देखो, नेविगेटर उमर शिराजी। हाँ। पाकिस्तान एयरलाइंस का कर्मचारी था वो। ये वही शख्स है जो माउथ ऑर्गन बजाकर हिना को इशारा करता था। अचानक
संतोष बाबू, हिना मालिक को छत से इतनी बेरहमी से किसने नीचे फेंका इसका मुझे पता चल गया। किसने फेंका? आपने, संतोष समझदार ने। साबित कर सकते हो? अभी नहीं, लेकिन खून करने का आपका क्या मकसद था यह साबित कर सकता हूं। ये बात है, मैं आप पर मानहानि का मुकदमा दायर करके आपको जेल भिजवा सकता हूं, ये मालूम है आपको? मेरे खिलाफ मुकदमा दायर करने का आप में साहस नहीं है। आपने अपने परिवार के हितों की रक्षा करने के लिए मुझे नियुक्त किया था, सो मैंने किया। अब न जाने किस वजह से पुलिस ने छानबीन बंद कर दी है, इसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। सत्य को जानना सबका कर्तव्य है, सो मैंने कर्तव्य का पालन किया है। किस सच की बात कर रहे हैं आप? कौन सा सच जान लिया आपने? आपको हिना के कमरे में जिस चीज की तलाश थी वो आपको मिली नहीं, और न मिलने पर आपने हिना के कमरे को आग लगा दी। वो चीज मुझे मिली है, उमर खयाम की रुबाइयां और बहुत सारे खत और दस्तावेज। क्या चाहिए आपको? रुपया? मुझे खरीदने की रकम आपके पास नहीं है। आपने विश्वासघात किया है, इसकी सजा आपको मिलनी चाहिए। हिना के मां मीना के साथ आपका प्रेम था। इस देश के विभाजन के समय आप अक्सर ढाका जाया करते थे, वहीं से मिलते थे। आप तो उसके प्रेम में इतने लट्टू हो गए थे कि आपने तो धर्म बदलकर उससे शादी भी कर ली थी, और फिर आपने कलकत्ते की आधी जायदाद उसके नाम कर दी। शादी और जायदाद के कागजात उसने बड़ी हिफाजत के साथ अपने पास रख लिए कि कहीं आप उसे धोखा ना दे दें। फिर अचानक उसकी मौत हो गई, कागजात उसने अपनी बेटी हिना को सौंप दी। हिना का एक प्रेमी था उमर शिराजी, दोनों ने आपको ब्लैकमेल करने का षड्यंत्र रचा। वो तो यहां आकर आपके सर पर बैठ गई और आपको ब्लैकमेल करने लगी। क्यों, और कुछ जानना चाहते हैं आप? ब्योमकेश, वो सारे कागजात मुझे दे दो, मैं तुम्हें मुंह मां की रकम दूंगा। कल से आपका असली चेहरा इन खतों के साथ धारावाहिक रूप में समाचार पत्रिकाओं में छापा जाएगा। चलता हूं। हेलो, हाँ, क्या, कब? ओहो, हाँ ठीक है। हाँ, क्या हुआ? संतोष समादार ने खुदकुशी कर ली। हैं? कब? कल रात अपने ऑफिस में। बहुत बुरा हुआ, लगता है डर गया होगा बेचारा। हिना बड़ी चालाक थी, जो दस्तावेज के कागजात थे उसने घर पर नहीं रखे बल्कि शहनाज होटल पर रखे, और उस होटल का कमरा जो था उमर शिराजी के नाम बुक था। जब कभी आता माउथ ऑर्गन बजाकर उसे बुला लेता, दोनों मिलते, फिर सारा पैसा लेकर ढाका चला जाता। बस यही सिलसिला चल रहा था। तो फिर रवि वर्मा उस होटल में कैसे चला गया? हिना संतोष समादार के किसी दोस्त के अनाथ लड़की नहीं थी, बल्कि हिना तो संतोष बाबू को ब्लैकमेल करने कलकत्ते आई थी। ये बात सिर्फ रवि वर्मा जानता था। उसने किसी तरह हिना का पीछा किया और शहनाज होटल का पता लगा लिया। वो जानता था कि उस कमरे में ही दस्तावेज हैं। उसने चाबियों का गुच्छा बनाया और उस कमरे को खोलने की कोशिश की। उन दस्तावेजों से रवि वर्मा क्या कर सकता था? अरे वही जो हिना और उमर शिराजी कर रहे थे, ब्लैकमेल। लेकिन हिना का खून किसने किया और कैसे किया? हर 10 या 12 दिन के बाद उमर शिराजी का जो हवाई जहाज था वो कलकत्ते आता था, सो उस दिन भी आया था, पर आने से पहले समुद्र में समा गया। उस दिन शनिवार था। जिस तरह तुमने अखबार पढ़ा, संतोष समादार ने भी पढ़ा, देखा कि मरने वालों की सूची में है उनके ब्लैकमेलर का नाम था उमर शिराजी। एक कांटा तो रास्ते से हट गया, लेकिन अब दूसरा। हिना अखबार नहीं पढ़ती थी, उसे तो मालूम भी नहीं था कि उमर शिराजी गुजर गया।
बस यही एक मौका था उसे रास्ते से हटाने का। वो जानते थे कि हर शाम को हिना छत पर जाती है, घर की मरम्मत चल रही है, चारों तरफ बांस का खाचा लगा हुआ है और आसानी से ऊपर चढ़ा जा सकता है। यही उसे हटा देने का एक रास्ता था। और लोग समझेंगे कि खुदकुशी की। उस दिन शनिवार था, सुकुमारी को मिलने का दिन भी था। दोनों ने इकट्ठे मिलकर प्लान बनाया। संतोष समादर पीछे की गेट से अंदर आहाते में आए, बांस के द्वारा ऊपर चढ़े, छत पर पहुंच गए। हिना ने उन्हें देखा, वो देखकर ये जान गई कि मामला क्या है। घबराई, भागी होगी, किनारे पर पहुंची, संतोष बाबू ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। उसके बाद छत पर ऊपर आने की जो कुंडी थी उसे खोल दी। जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते वापस चले गए। कुंडी क्यों खोली? कि जिस आदमी ने खून किया है ऊपर कैसे आया, ये बात एक पहेली बनकर रह जाए। फिर वापस गए। आधी रात के बाद घर आए, उसके कमरे में गए, सोचा कि दस्तावेज वहीं होंगे। बहुत ढूंढा लेकिन दस्तावेज नहीं मिले। फिर पेट्रोल छिड़कर कमरे को आग लगा दी। मौसा जी, संतोष बाबू तो चल बसे, हिना के खूनी को पकड़ पाए? हाँ पता तो चल गया, तुम कैसे है? सचमुच पता चल गया? तुम्हें पता चला? अरे मैं तो शुरू से ही जानता था। अच्छा शुरू से ही जानते थे? अच्छा बताओ तो कौन है? हमारे मौसा जी। हैं? तुम्हें कैसे पता चला? मैंने अपनी आँखों से देखा। तुम जानते थे तो फिर बताया क्यों नहीं? कैसे बताता? मौसा जी मेरे अन्नदाता थे, उनको मैं पुलिस के हवाले कैसे करवाता? और बोंकेश बाबूजी, मुझे आप पर पूरा भरोसा था। मैं जानता था कि आप सत्य का पता जरूर लगा लेंगे। अच्छा? इसलिए तो मैं आपको वहाँ ले गया। अब लाइए एक सिगरेट दीजिए।